कांग्रेस जिस प्रकार से भारत के या विभिन्न राज्यों में जहां चुनाव हुए वहां जिन्हों जिस प्रकार से उन्होंने अपना चेहरा बदला, कभी नकाब पहना, कभी नकाब उतारा, कभी तिलक लगाया, कभी टोपी पहनी, कई तरह के स्वांग को रचने का काम किया, इससे न सरकार चलती है, न देश चलता है, न राज्य चलता है। पांच राज्यों के चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो गए हैं और चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और ये देखिए बिहार विधानसभा के पॉलिटिकों की तस्वीर है, जहां से सदन के बाहर जितने भी जो सदस्य हैं अब बाहर आ रहे हैं और जय श्री राम के जो नारे हैं वो नारे लग रहे हैं। नेतृत्व है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हम अपने चारों राज्यों के मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कुशलता पर अपनी मोहर लगाई। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। उनके नेतृत्व में हमारे चारों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से राज्य के विकास के लिए काम किया, राज्य में सुशासन की स्थापना की, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक रहे उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम, उनको उनके चाहे मंदिर के निर्माण में और जो वहाँ की कानून व्यवस्था थी, उन सारी चीज़ों को जो बेहतर किए योगी आदित्यनाथ जी ने, ये सारी इन सारी चीज़ों का ये प्रतिफल है कि आज हम सरकार बनाने में की ओर बढ़ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हम आने वाले दिनों में भी हम बेहतर सरकार, भारतीय जनता पार्टी नित सरकार जहां बनेगी वहां बेहतर शासन देगी। हाँ, निश्चित तौर पर स्वाभाविक है कि जो इस तरह के चुनाव में जो आम मतदाताओं का जो रुझान है वो 2024 के लिए एक संकेत भी है कि भारत के आम मतदाता, अगर एक राज्य को छोड़ दिया जाए वहाँ की कुछ अलग परिस्थिति थी, लेकिन भारत के आम मतदाता ने अपना रुझान स्पष्ट तौर पर प्रकट किया। देखिए कांग्रेस की स्थिति तो क्षेत्रीय दल की भी अब नहीं बच चुकी है, नहीं रह गई है, और धीरे धीरे जिन राज्यों में भी वो सरकार चला रहे हैं उनका कार्यकाल जैसे ही पूर्ण होगा मुझे लगता है कि वो भी बाद में वो दिखने वाले नहीं है। ये दल की भी अब नहीं बच चुकी है, नहीं रह गई है, और धीरे धीरे जिन राज्यों में भी वो सरकार चला रहे हैं उनका कार्यकाल जैसे ही पूर्ण होगा मुझे लगता है कि वो भी बाद में वो दिखने वाले नहीं है। कांग्रेस जिस प्रकार से भारत के या विभिन्न राज्यों में जहाँ चुनाव हुए वहाँ जिन्हों जिस प्रकार से उन्होंने अपना चेहरा बदला, कभी नकाब पहना, कभी नकाब उतारा, कभी तिलक लगाया, कभी टोपी पहनी, कई तरह के स्वांग को रचने का काम किया, इससे न सरकार चलती है, न देश चलता है, न राज्य चलता है। राज्य चलता है एक मजबूत नेतृत्व से, मजबूत संकल्प से, मजबूत इरादों से, मजबूत कार्यक्रमों से। उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। देखिए वहाँ हमारी लड़ाई तो दूसरे दलों से थी और उस मामले में उस जो परिवारवाद कहीं न कहीं पराजित हुआ, राष्ट्रवाद कहीं न कहीं मजबूत हुआ है। हम इन बड़े मुद्दों पर लड़ाई करते हैं, हमारे कई साथी कहाँ क्या लड़ रहे थे मुझे पता भी नहीं है, लेकिन वो बार 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 आप लोग के खिलाफ बोलते रहे। नहीं देखिए उनके साथ हमारा गठबंधन बिहार में है, वो आज भी मजबूत है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। उत्तर प्रदेश की जो यह लोकतांत्रिक पद्धति से जो यह लड़ाई थी, ये लड़ाई पर उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर था, न कि कोई व्यक्तिगत खींच निकालने के मुद्दे पर। से मुकेश सहनी वहाँ प्रचार कर रहे थे, लेकिन आपकी के पार्टी के विधायक है वो इस्तीफे मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, सही था बीजेपी प्रचार बीजेपी ने आगे बढ़ाया, लेकिन इस समय पर बीजेपी के लिए उन्होंने ठीक नहीं किया। और कोई इशू है? अच्छा, क्या बुलडोजर मॉडल को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी वहाँ? प्रधानमंत्री मोदी और योगी के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर यूपी की जनता ने और चार राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रही है जनता ने वोट किया है। पंजाब की परिस्थितियां कुछ अलग थी, इस वजह से पंजाब के जो नतीजे हैं वो कुछ और आए हैं, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है चारों राज्य में और राष्ट्रवाद की गाड़ी चल पड़ी है, ये कहना है बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का। कैमरा पर्सन हीरा के साथ रमन राय, न्यूज़ पीआर, पटना।